नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज के इस सेशन में हम डे 27 का डिस्कशन यहां पर करेंगे फॉर योर अपकमिंग एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन, जिसमें मैं एक इंपॉर्टेंट सीरीज आपके साथ यहां पर डिस्कस कर रहा हूं आपके एग्जामिनेशन के लिए, करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड जो बैकग्राउंड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो चीजें मैं आपके साथ यहां पर कवर कर रहा हूं। ठीक है, तो टोटल 26 सेशंस ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, आप उनके वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद फिर यहां पर आज हम डे 27 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। ठीक है, पहला दिया हुआ है कि कलेक्शन फ्रॉम ऑल स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स आर क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स आर रिसेट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेगी। अब अगर हम यहां पर एक बात देखेंगे तो यहां पर क्या होता है कि जो भी यहां पर स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स होती हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं जिसमें आप छोटा अमाउंट वगैरह जो है वो सेव करते हो, ठीक है, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि ये एक मेजर सोर्स होता है, जो भी हाउस होल्ड सेविंग्स यहां पर होती हैं वो इसके तहत यहां पर की जाती है। जो भी यहां पर कलेक्शन होता है स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स का, वो यहां पर क्या होता है कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता है ना, मतलब कि स्मॉल सेविंग्स जो भी यहां पर होती हैं उसका जो भी अमाउंट होता है इंस्ट्रूमेंट होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता है। पहला स्टेटमेंट गलत है, इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्रेडिट जो होता है वो कहां पर किया जाता है, वो नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड, ठीक है, नेशनल स्मॉल, ठीक है, सेविंग्स जो फंड है, ठीक है, वहां पर क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली जो है वो क्रेडिट किया जाता है, जिसको हम NSSFV यहां पर कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो भी यहां पर इंटरेस्ट रेट वगैरह होते हैं स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के ऊपर, उसको क्वार्टरली बेसिस पे जो है वो यहां पर क्या किया जाता है, उसको यहां पर हम क्वार्टरली बेसिस पे जो है वो यहां पर रीसेट करते हैं, तो ये भी बात आपको यहां पर ध्यान रखना है। और पीरियोडिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है वो इन रेट्स को यहां पर रिव्यू भी करती है, ठीक है। तो इसका मतलब दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल सही है, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महलनोबिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, जिनको आप पीसी महलनोबिस के नाम से भी यहां पर जानते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो है वो यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ये स्टेटमेंट है इनमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है जो कि आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ही डिवाइज्ड अ स्टैटिस्टिकल मेथड कॉल्ड फ्रैक्टाइल ग्राफिकल एनालिसिस टू कंपेयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ वेरिड ग्रुप्स, ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन फॉर्मुलेटिंग इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो श्री प्रशांत चंद्र महलनोबिस जी हैं इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न स्टेटिस्टिक्स जो है वो यहां पर कहते हैं इन इंडिया, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, मतलब जो भी गणनाएं वगैरह होती हैं स्टेटिस्टिक्स जो हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, उसके आप ये कह सकते हैं कि भारत में फादर जो है वो कहलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहां पर क्या है कि जो आपका इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसके ये फाउंडर थे, ठीक है, इंडियन स्टेटिस्टिकल जो इंस्टीट्यूट है उसके ये फाउंडर आपको देखने को मिलेंगे। प्लानिंग कमीशन जो है जिसने यहां पर नीति आयोग को जिसे नीति आयोग ने रिप्लेस किया था 2015, उसके शेप देने में भी इनका बहुत ज्यादा योगदान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और तो इसका मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो गई, और साथ ही साथ एक बात ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो भी यहां पर वेरिड ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को कंपेयर करने के लिए फ्रैक्टाइल जो ग्राफिकल एनालिसिस है ये मेथड यहां पर इन्होंने डिवाइस करी थी। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये फिर यहां पर क्या है कि प्लानिंग कमीशन के जो है वो मेंबर भी आपको बनते हुए दिखाई दिए, और इंडिया का जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो बिल्कुल गलत है, ये सेकेंड 5 ईयर जो प्लान है, ठीक है, उसमें इनका बहुत ज्यादा योगदान था, ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह से रिलेटेड आपको यहां पर ये देखने को मिलेगा,
तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था ये 1956 से लेकर 61 का टाइम पीरियड था, और इसमें इंडस्ट्रीज के ऊपर जो है वो यहां पर बहुत फोकस किया गया था। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि अगर आप देखोगे तो इसमें जो आपका यहां पर राइट आंसर है वो यहां पर कौन सा है भाई, ये है आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात यहां पर ये ध्यान रखनी है आपको कि जितने अच्छी तरीके से आप स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे, है ना, देखो होती तो बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन में अगर हम छोटी छोटी डिटेल्स को भी यहां पर याद रख लेंगे, है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रख लेंगे, तो हो सकता है कि कई सारे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली इन्हीं जो मैं एनालिसिस आपको यहां पर प्रेवेंट कर रहा हूं, प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उसी से जो है वो आपको यहां पर चीजें जो है वो एग्जामिनेशन में प्रोवाइड मिल जाएंगी, और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो आप डायरेक्टली यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे, ठीक है, नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे जो है, ठीक है, ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये करते हैं हम 29 जून को, और 29 जून जो है वो डे कौन सा है भाई, ये डे है जिस दिन प्रोफेसर पीसी महलनोबिस जी जो है उनका बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे जो है 29 जून को इसीलिए मनाया जाता है। चलिए, सो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहली बात है, एल्कोहल प्रोहिबिशन इज इन फोर्स इन द स्टेट ऑफ बिहार एंड गुजरात ओनली। ठीक है, मतलब कि एल्कोहल जो है, ठीक है, शराब वगैरह की जो बिक्री वगैरह होती है वो पूरी तरीके से बंद है बिहार और गुजरात में। एल्कोहल इज अ सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा आंसर है जो कि यहां पर सही है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहली बात तो याद रखिएगा एल्कोहल जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये आसान सा क्वेश्चन है। गुजरात और बिहार में एल्कोहल जो है वो प्रोहिबिट नहीं है, आप अगर और भी देखेंगे तो आपको मिजोरम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नागालैंड में भी अगर आप देखोगे तो वहां पर भी एल्कोहल जो है ये प्रोहिबिट है, और लक्षद्वीप, ठीक है, जो लक्षद्वीप है वहां पर भी आपको ये प्रोहिबिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, कहीं पर भी अगर ये ओनली तरीके का जो शब्द यहां पर यूज होता है ना तो वहां पर चांसेस होते हैं कि थोड़ा सा गड़बड़ यहां पर हो सकते हैं। ठीक है, और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा आर्टिकल 47, ठीक है, आर्टिकल 47 जो है वो कहां पर मिलेगा, वो आपको मिलेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, तो उसमें बोला गया है कि स्टेट जो है वो कुछ रूल्स वगैरह यहां पर ला सकता है कि जो भी मेडिकिनल पर्पस के लिए जो ड्रग्स वगैरह यहां पर यूज होते हैं वही यूज हो, बाकी सब चीजों के लिए यहां पर प्रयोग ना हो। तो डीपीएसपी से जो है वो ये प्रोविजन निकलकर सामने आ रहा है कि स्टेट इस तरीके से जो एल्कोहल वगैरह है उसको प्रोहिबिट कर सकती है अपने स्टेट पर। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो गया, करेक्ट पूछा जा रहा है, सो टू ओनली जो है ये आपका राइट आंसर है। चलिए, विद रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा इस टाइम पीरियड पर भारत के अटॉर्नी जनरल जो है वो कौन है। ठीक है, इनका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो विद रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अटॉर्नी जनरल इज द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, ही शी इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हिज टर्म ऑफ ऑफिस इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एक बात यहां पर ये ध्यान रखिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है इससे रिलेटेड अगर हम यहां पर देखेंगे तो ये पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव का देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, तो उसके आपको ये पार्ट देखने को मिलेंगे। और अगर हम यहां पर बात करेंगे आर्टिकल 16, सॉरी 16 नॉट 16, आर्टिकल 76, ठीक है, सो आर्टिकल 76 के बारे में बात करेंगे तो ये अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपको बिल्कुल सही देखने को मिलेगा, ही शी इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गलत जवाब। इनको अपॉइंट कौन करेंगे, इनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन द एडवाइस ऑफ दी गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो एडवाइस देगी, उनके बेसिस पे इनका अपॉइंटमेंट यहां पर किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहां पर याद रखिएगा टर्म ऑफ दी ऑफिस इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है वो यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो रिमूवल जो भी प्रोसीजर यहां पर होगी, ठीक है, वो यहां पर अटॉर्नी जनरल की वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं करी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा रिमूवल
जो यहां पर मेथड है वो यहां पर क्या है कि वो मेंशन नहीं करी गई है कि किस तरीके से यहां पर इनको रिमूव किया जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये ऑफिस जो है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर में जो है वो यहां पर होल्ड करके रखते हैं और फिर इनको रिमूव कर दिया जाता है अगर प्रेसिडेंट को कभी लगेगा कि रिमूव करना है। वैसे तो ये रेजिग्नेशन दे देते हैं जैसे कोई भी सरकार रहती है। ठीक है, अगर कोई सरकार पावर में है तो उनके द्वारा नया अटॉर्नी जनरल आते हैं, क्योंकि सरकार को क्या करते हैं कि फिर वो रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग केस में। ठीक है, तो जैसे ही सरकार चली जाती है तो वो रिजाइन कर देते हैं, नहीं तो फिर प्रेसिडेंट यहां पर हटा सकते हैं। तो दूसरा तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल सही है, तो करेक्ट पूछा जा रहा है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, है ना। टू अगर आपको पता होता तो देखो दो से भी आप तीन ऑप्शन जो है वो गलत कर देते डायरेक्टली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड। ठीक है, तो NSSF के बारे में बात हो रही है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स। तीन स्टेटमेंट दिए गए, पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहां पर करेक्ट है। पहली बात है द फंड इज एडमिनिस्टर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। द नेशनल स्मॉल सेविंग फंड कस्टडी एंड इन्वेस्टमेंट रूल्स 2001 वर फ्रेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 283 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द NSSF डीलिंक्स द स्मॉल सेविंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर यहां पर क्या होगा। अब यहां पर नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट यहां पर हुआ था, ठीक है, इसका अगर हम यहां पर एस्टेब्लिशमेंट देखेंगे तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था कारगिल वॉर के दौरान, मतलब कि 1999 में आपको ये देखने को मिलेगा। और पब्लिक अकाउंट की तरह यहां पर आपको ये काम करता हुआ देखने को मिलता है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट में ये कोई इंपैक्ट यहां पर नहीं डालता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। दूसरी बात अगर हम यहां पर देखेंगे और इसमें अगर हम यहां पर देखेंगे तो इसमें बोला जा रहा है कि द फंड इज एडमिनिस्टर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि फंड जो है ये कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन इसका यहां पर किया जाता है। दूसरी बात, यहां पर जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स कस्टडी एंड इन्वेस्टमेंट रूल्स है तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है कि जो फंड एडमिनिस्टर होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा किया जाता है, और स्मॉल सेविंग्स फंड कस्टडी एंड इन्वेस्टमेंट रूल 2001 को फ्रेम किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 283 के तहत। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। देखिए अगर हम NSSF के बारे में बात करेंगे ना, तो पहले क्या होता था कि जो भी यहां पर ट्रांजेक्शन वगैरह होते थे, है ना, तो वो किससे होते थे, वो यहां पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से यहां पर करने होते थे। तो हमने क्या किया कि एक नए तरीके का जो है वो यहां पर एक पब्लिक अकाउंट बना दिया जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। तो अब जो भी डेली ट्रांजेक्शन वगैरह होंगे वो यहां से होते हैं, तो NSSF जो है वो डीलिंक करता है स्मॉल सेविंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका मतलब है तीसरा स्टेटमेंट भी जो है ये बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। ठीक है, मतलब कि पीएमएफएमई के बारे में जो है वो यहां पर बात हो रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस है उससे रिलेटेड यहां पर स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेंगे। पहली बात, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। दूसरी बात है कि इट इनेबल द एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट टू अवेल क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी एट 35% ऑफ द एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर अपग्रेडिंग देयर यूनिट्स। ठीक है, मतलब कि यहां पर क्या होगा कि अपने यूनिट्स वगैरह को अपग्रेड करने के लिए आपको जो है वो थोड़ा सा यहां पर क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो यहां पर प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं, सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग जो यहां पर एक स्कीम है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसमें करीब आप ये कह सकते हैं कि इसका आउटले जो है वो करीब 10,000 करोड़ रुपए का आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब 10,000 करोड़ रुपए की ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सो राइट आंसर इज पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी यहां पर इन्वॉल्व है। ठीक है, ये बात भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और उसमें आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जैसे रेशियो के बारे में अगर हम बात करेंगे तो रेशियो देखो कुछ इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, 60:40, है ना, 90:10 जो है वो 10 आपको देखने को मिलता है ना। और उसके बाद यहां पर क्या है, ठीक है,
जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे, हाँ जैसे 90:10 और फिर यहां पर ये 100%, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या होता है, देखिए जैसे ये वाला अगर आप देखोगे ना, तो ये वाले आपको ध्यान रखने हैं कि जैसे इसमें नॉर्थ ईस्ट हो गया प्लस जो भी आपके यहां पर हिमालयन स्टेट्स होते हैं, ठीक है, हिमालय वाले जो स्टेट्स होते हैं वहां पर आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ 90:10 जो होता है वो आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि 90:10 जो होगा वो किसके साथ होगा, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट वाले के साथ और हिमालयन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और 60:40 जो है ना ये दो लोगों के साथ होता है, ये अदर स्टेट्स, ठीक है, ये हो गया आपका अदर स्टेट्स और उसके बाद यूटी विद विधानसभा, ठीक है। जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, तो यूनियन टेरिटरी जहां पर असेंबली होगी वहां पर 60:40 और यूनियन टेरिटरी जो बची हुई है रेस्ट, ठीक है, अदर्स वाली, उनके साथ इस तरीके से ये स्पॉन्सरशिप हो रही है, ठीक है। मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती है उसमें सेंटर का कुछ शेयर होता है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनका भी यहां पर शेयर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो शेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट यहां पर होते हैं। अब इसमें अगर हम इस स्कीम में कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, तो जो भी एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, ठीक है, एग्जिस्टिंग की बात हो रही है, ठीक है, एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, उनको यहां पर क्या होगा कि जो भी आप यहां पर लोन वगैरह ले रहे हो, ठीक है, मतलब यहां पर क्या है कि 10 लाख पर यूनिट, ठीक है, 10 लाख पर यूनिट जो है इसमें ये मैक्सिमम है, इतना लोन जो है ये आप यहां पर ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एग्जिस्टिंग जो भी इंडिविजुअल माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगी वो यहां पर क्या है अपनी यूनिट को अपग्रेड करने के लिए, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा उसमें 35% जो है वो सब्सिडी यहां पर मिल जाएगी, तो उस तहत जो है वो आप अपनी यूनिट को अपग्रेड यहां पर कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा वाला जो है ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल और 35% कीवर्ड है। सो राइट आंसर क्या है, दोनों ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 डिड नॉट रिकॉग्नाइज द राइट टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन। तो अब इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब एक बात यहां पर याद रखिएगा, अब जो भी दिव्यांग लोग हैं, है ना, तो उनके रिलीफ के लिए जो भी अनएम्प्लॉयबल है, ठीक है, उनके रिलीफ के लिए जो भी यहां पर चीजें मेंशन करी गई हैं वो यहां पर क्या है कि वो कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं करी गई है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये बिल्कुल गलत है, और इसमें यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि ये आपको स्टेट लिस्ट में जो है वो आपको यहां पर ये देखने को मिलेंगे, ठीक है, मतलब कि जो डिसेबल है उनके लिए रिलीफ, अनएम्प्लॉयबल है उनके लिए रिलीफ जो है वो स्टेट लिस्ट में यहां पर मेंशन करी गई है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो यहां पर ये बोला है कि अभी जैसे अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर ये है कि इसमें बोला गया कि डिड नॉट रिकॉग्नाइज द राइट टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन, मतलब कि जो प्रमोशन होते हैं उसमें रिजर्वेशन जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल यहां पर जो है ये क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी लेटेस्ट में यहां पर यह भी बोला है कि पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज उनको भी राइट टू रिजर्वेशन है प्रमोशन में, ठीक है। तो ये बात यहां पर आपको बताई गई है, तो इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपके बिल्कुल गलत है, तो नाइदर वन नॉट टू जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं, ठीक है, तीन स्टेटमेंट है, आई एम सॉरी। सो द जेन गार्डन कैजिन अकेडमी इन इंडिया इज सपोर्टेड बाई द ह्वेगो इंटरनेशनल एसोसिएशन जापान। जेन इज ए जापानीज स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज्म। कैजेन इज ए जापानीज बुद्धिस्ट फिलोसफी सिमिलर टू योगा इन इंडिया। तो अब आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर यहां पर कौन सा होगा। तो अभी हम इस क्वेश्चन को यहां पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली जो है वो इनॉग्रेट किया है एक जापानीज जेन गार्डन कैजेन अकेडमी, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ये पूरा है आपका जेन गार्डन कैजेन एकेडमी, ठीक है, जिसको यहां पर ह्वेगो इंटरनेशनल एसोसिएशन जापान के द्वारा यहां पर कहां पर बनाया गया है, ये आप अगर देखेंगे तो ये कहां पर किया गया है, अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है, याद रखिएगा कहां पर किया गया ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो अहमदाबाद, ठीक
ठीक है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है, वहां पर जो है इसको अभी यहां पर स्टार्ट किया गया है। और इसको सपोर्ट किसने प्रोवाइड किया है? ह्योगो इंटरनेशनल एसोसिएशन जापान ने, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली जेन जो होता है एक जापानीज स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज्म है जो कि यहां पर फोकस करता है। अगर हम जेन को अगर हम देखेंगे ना, तो जेन का सिंपल सा मीनिंग होता है मेडिटेशन, है ना। अगर इंडिया में इसका मीनिंग अगर हम देखेंगे तो इसको मेडिटेशन यहां पर कहते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये सही है, जेन इज ए जापानीज स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज्म, जो कि यहां पर बताता है कि भाई आपको मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, है ना, और रिचुअल वर्शिप और स्टडी वगैरह से बढ़कर जो है वो मेडिटेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम कैजिन के बारे में बात करेंगे तो जापानीज बुद्धिस्ट फिलोसफी है सिमिलर टू योगा इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो है ये गलत है। देखिए बेसिकली कैजिन जो होता है ये यहां पर क्या है, इसको बोलेंगे चेंज फॉर द बेटर, ठीक है। इसका मीनिंग अगर हम देखेंगे तो इसको बोलते हैं चेंज फॉर द बेटर। तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि भाई हमको जो भी यहां पर इंप्लॉइज वगैरह हैं, है ना, उनके लिए इतना एक एफिशिएंट जो है वो यहां पर इन्वायरमेंट यहां पर बनाना पड़ेगा, ताकि हम उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उनकी एफिशिएंसी है ना, उनको रेगुलर बेसिस पे यहां पर इंप्रूव कर सके, ठीक है। तो ये इस फिलोसफी के बारे में बात करता है, ये योगा से इसका कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। सो तीसरा वाला जो स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है ये बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और याद रखिएगा अभी जापान और इंडिया के सपोर्ट से इसको यहां पर ओपन किया गया है, ठीक है। कहां पर? इंडिया में किया गया, और जापान का जो यहां पर ह्योगो इंटरनेशनल एसोसिएशन है उसने यहां पर यह काम किया है। चलिए आगे बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्योरोस्ट्रिया लालजी स्पीसीज, ठीक है। तो पायरोस्ट्रिया लालजी स्पीसीज जो है उससे रिलेटेड यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर सही है, ठीक है। सो इट इज अ न्यू स्पीसीज ऑफ द कॉफी फैमिली रिसेंटली डिस्कवर्ड फ्रॉम द अंडमान आइलैंड एंड इट हैज बीन सक्सेसफुली इट हैज बीन असेस्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड बेस्ड ऑन द आईयूसीएन रेड लिस्ट क्राइटेरिया, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका नाम क्या है, ठीक है। तो अब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है आपसे पेपर में, तो ये किसकी वेराइटी है ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा ये कॉफी की फैमिली से बिलोंग करता है ना। तो एक नई तरीके की कॉफी जो है वो अभी यहां पर खोजी गई है, जिसका नाम है पायरोस्ट्रिया लालजी, है ना। और ये कहां से किया गया है? इसका खोज अंडमान आइलैंड से किया गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद यहां पर आप ये कह सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है इट इज फर्स्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ दी जीनस पायरोस्ट्रिया इन इंडिया, ठीक है। और ये पहली बार इंडिया में देखने को मिला है, और ये 15 मीटर आपको टॉल जो है वो ट्री देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहां पर क्या है, यहां पर जो ये लालजी साहब जो है ना, इनका नाम है लालजी सिंह, ये जॉइंट डायरेक्टर है अंडमान एंड निकोबार रीजनल सेंटर के, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनके नाम पर ये रखा गया है। और इसको क्रिटिकली डेंजर्ड जो है वो यहां पर अभी आप कह सकते हैं कि आईयूसीएन की रेड लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका प्रोटेक्शन वगैरह भी हमको बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। सो दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपके बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसको नैटट्रिप यहां पर हम कह रहे हैं, इसको बोलते हैं नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि यहां पर करेक्ट है। तो नैटट्रिप इज एन इनिशिएटिव इन द ऑटोमोटिव सेक्टर विच कंप्राइजेस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों लोग यहां पर काम करेंगे। और इट इज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर है वो यहां पर क्या है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ऑटोमोटिव सेक्टर में ये बहुत ही बड़ा और मोस्ट सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव यहां पर लिया गया है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और साथ ही साथ इंडियन जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के लोग हैं वो सब यहां पर आपको इन्वॉल्व देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें सब लोग यहां पर रहेंगे। और ये जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का नहीं है, ये आप कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ
हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है, एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस, ठीक है, उसका जो है ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और इसमें क्या है कि टेस्टिंग, वैलिडेशन वगैरह, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर में होना चाहिए कंट्री में, ठीक है, उसके बारे में यहां पर बात हो रही है। और एक बात यहां पर ये ध्यान रखिएगा, एक नेटरैक्स जो है वो यहां पर अभी ओपन किया गया है, ठीक है, नेटरैक जो है ये हाई स्पीड ट्रैक है, ठीक है, जिसमें गाड़ी वगैरह की जो टेस्टिंग वगैरह होती है ना, तो ये हाई स्पीड ट्रैक है। ये कहां पर किया गया, ये इंदौर में अभी ओपन किया गया है, ठीक है, तो ये इंदौर जो कि एमपी में है तो वो यहां पर ओपन किया गया। तो याद रखिएगा ये नेटरैक्स है और ये एग्जामिनेशन में बनेगा क्वेश्चन, है ना, कि इसको कहां अभी जो है वो स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया है ना। तो ये प्रीतमपुरा एक जगह है यहां पर इंदौर में, तो वहां पर इसको भी टेस्ट करने के लिए, बेसिकली जो गाड़ी वगैरह होती है ना, उनकी टेस्टिंग वगैरह के लिए इस पर्टिकुलर जो हमारा ये हाई स्पीड ट्रैक है, इसका यहां पर प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, और ये नाइट्रिप के अंतर्गत ही इसको यहां पर बनाया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल गलत है। तो ये थे हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस, ठीक है, और मैंने ये आपको जो सेशन नंबर 27 यहां पर अभी प्रोवाइड किया, तो इसके बाद ना मैंने आपकी जो जून वगैरह तक के यहां पर जो क्वेश्चन थे लगभग, वो मैंने यहां पर कवर किए। बाकी अभी जो हमारा डेली न्यूज एनालिसिस का कोर्स है, उसमें भी मैं आपको इसी तरीके के प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, प्लस जो भी डी न्यूज एनालिसिस वगैरह होता है वो प्रोवाइड होने वाला है। तो आप इसको ज्वाइन कर लोगे ना, तो 5 तारीख से, है ना, 5 नवंबर से 13 नवंबर तक आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर कवर हो जाएंगे जो कि एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। इसका प्राइस है केवल 249, तो डेफिनेटली आपको इसको एक बार यूज करना चाहिए। पुरानी क्लासेस में भी मैं काफी सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ, तो आप उनको भी यहाँ पर कवर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी हमारा एसएसबी का बैच है ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है 15 तारीख से, ठीक है, अनाउंसमेंट कर दी है, वीडियो भी इसके ऊपर बना दिया है मैंने, और 9993048282 जो है ये नंबर है, ठीक है, आप इस नंबर पर जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और बाकी मैंने लिंक वगैरह जो है वो अटैच कर दी है, आप इस कोर्स को देख भी सकते हैं डायरेक्टली, या ऐप डाउनलोड करके भी चीजों को डायरेक्टली पता कर सकते हैं, ठीक है। किसी को अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।